जय माता दी। साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण से संबंधित टॉपिक पर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन। क्या वास्तव में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा या नहीं होगा, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। यह जो हम जानकारी दे रहे हैं 21/7/2023 के अनुसार दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले गत वर्ष दिनों में 6 या 7 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 5 से 6 बार तक आश्वासन दे चुके हैं। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सेवा काल था, उन्होंने जनता की सेवा की, उसमें कभी भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात नहीं कही। लेकिन वर्तमान में 4 या 5 बार तक अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात कही है और साथ ही साथ ये कहा है कि जल्द ही वह अतिथि शिक्षकों के लिए महापंचायत का आयोजन करने वाली है और उसमें अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण या भविष्य सुनिश्चित करने से संबंधित कुछ विशेष निर्णय लिया जाएगा। तो इसलिए विश्वास रखें कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, किंतु आप प्रयास जरूर करते रहें, क्योंकि संगठन में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ है। यदि आप संगठित रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो आपको नियमितीकरण जरूर होगा। नमस्कार। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री राम।